हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता जाकेटिया कक्षा 9th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुपद हमारा चैप्टर चल रहा है। या पॉलीनोमियल ओके, इसी में अपन आज पढ़ेंगे कि पॉलीनोमियल्स के फैक्टर्स क्या हैं या बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने 2.3 में रिमाइंडर या फिर रिमाइंडर निकालना सीखा था, उसी टाइप से हम अब भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.4 पे आ रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर। मतलब ये है कि नीचे जो अपने को अलग अलग बहुपद दिए हुए हैं उसमें से एक्स प्लस वन किसका किसका गुणनखंड है। मैंने कल भी बताया था कि यदि हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल जीरो आता है तो हम जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं वो उस बहुपद का भाग विभाजक वाले या डिविडेंट वाले पॉलीनोमियल का डिवाइजर या जिसका भाग दे रहे हैं वो गुणनखंड होगा। देखते हैं, अपन वापस क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को पीएस गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अपने को जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन। हाँ, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर रखते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो हमें इस पॉलीनोमियल में जहां पे भी एक्स है वहां माइनस वन रखना है। तो p माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ये माइनस 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 तीन बार होगा तो माइनस वन हो गया है, ये एक बार, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये आपस में कट गए हैं तो ये हो गया जीरो। यानी कि x प्लस वन बहुपद x प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। सेकंड कर रहे हैं अपन, इसका सेकंड, इसका कौन सा करूं मैं, जो आपको टफ लगता है वही करूं मैं, फोर्थ कर देती हूं, है ना। सेकंड और थर्ड आप होमवर्क में कर लेना, फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड होमवर्क। ओके, पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अपने पास एक्स इक्वल टू माइनस वन है, यही रखना है अपने को, माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू और ब्रैकेट में माइनस वन प्लस रूट टू। माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया है और ये बाहर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो ये दोनों भी इसके प्लस हो जाएंगे, प्लस का टू प्लस का रूट टू और प्लस रूट टू, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ओके। तो इससे तो ये कट गया है पर अपने पास बचा है टू रूट टू, यानी कि रिमाइंडर या शेषफल क्या आया है, टू रूट टू
तो इसका मतलब ये जो पॉलीनोमियल है ये सी एक्स का बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। गुणनखंड लिखना है, सॉरी, या फैक्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड भी ऐसा ही है लगभग। इसमें अलग अलग पॉलीनोमियल के लिए अलग अलग अपने को जी एक्स गिवन है, डिवाइजर गिवन है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो अलग अलग केसेस हमें दिए हुए हैं उसमें पी एक्स का जी एक्स एक फैक्टर है या बहुपद है, ये हमें प्रूव करना है। तो कोई सा भी मैं एक कर देती हूँ इसमें से, क्योंकि सेम टू सेम ही है। फर्स्ट नहीं करती हूँ मैं, सेकंड कर देती हूँ, है ना। फर्स्ट ये तो अपन बहुत सारे कर चुके हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। और जी एक्स क्या गिवन है अपने को, एक्स प्लस टू। तो सेकंड क्वेश्चन का होमवर्क हो गया है, फर्स्ट एंड थर्ड। सबसे पहले जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यानी कि अपने पास एक्स की वैल्यू हो गई है माइनस टू। तो इस पी एक्स में सब जगह माइनस टू लिखेंगे एक्स की जगह, माइनस 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 तीन बार है तो माइनस रहेगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यहाँ पे स्क्वायर है अपने पास, है ना। थ्री इंटू फोर माइनस के सिक्स प्लस वन, तो माइनस के एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, तो एट एंड सिक्स कितने हो गए हैं अपने पास, फोर्टीन, और ये 13, तो माइनस वन, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, माइनस वन। सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल ऑफ दिस पॉलीनोमियल, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, दिस पी एक्स। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। वो अपने को ऑलरेडी बोल रहा है कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, नीचे वाले जो भी अपने को नीचे अपने को पॉलीनोमियल दिए हुए हैं px सबका फैक्टर है। तो अपने को क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ऑलरेडी फैक्टर है, मतलब इसका रिमाइंडर कितना है, जीरो है। तो ये वाली चीज हम यूज करेंगे, x माइनस वन क्या है, फैक्टर, यानी कि यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई है, वन। ठीक है, फर्स्ट वाला आपने को गिवन है px
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्योंकि एक्स माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि इसका पूरे में जब अपन वन रखेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो है। तो p वन, x की जगह लिख रही हूँ मैं वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और ये है अपना जीरो के बराबर, ठीक है ना। ये वन का स्क्वायर भी वन होता है, टू हो गए, टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो, और के इज इक्वल टू इसको पक्षांतरण करेंगे या इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो गई है माइनस टू। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके।